ठीक है ना। सो व्हेन वी टॉक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट ऑन फ्रांस, तो हम लोग देखते हैं क्या बेटा कि फ्रांस जो था वो क्या हो गया था, एक लड़ाई में घुस गया था। कौन सी लड़ाई में? फ्रांस चाह रहा था कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो हैं वो ब्रिटिशर्स के रूल के अंदर हैं, तो फ्रांस उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटिशर्स के रूल से छुटवाना चाह रहा था। ठीक है, तो फ्रांस ने क्या करा, इन 13 अमेरिकन कॉलोनीज को क्या करा, ब्रिटिशर्स के रूल से क्या कर दिया, छुटवा दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, लेकिन इस वॉर में फ्रांस को बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए। इस वॉर में फ्रांस को बहुत सारे क्या हुए, फाइनेंशियल लॉसेस हुए। ठीक है, तो क्योंकि इस वॉर में फ्रांस को बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए, तो फ्रांस इन फाइनेंशियल लॉसेस से कोप अप नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो जब 1774 में किंग लुइस 16 फ्रांस का क्या बना, रूलर बना, जब किंग लुइस 16 फ्रांस का क्या बन गया, रूलर बन गया, तो वो सिर्फ 20 साल का था, और वो जो ओनली 20 ईयर्स का था, ही वॉज ओनली 20 ईयर्स, उसको क्या करना पड़ा, उसे देखना पड़ा क्या एक 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 ऐसा थ्रोन, जो जहां पर मतलब राजगद्दी में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। ठीक है, तो लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर, इतने सालों से जो ये लड़ाई चल दीदी रही, आपके आवाज ब्रेक हो रही है। देखो लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर, अभी आवाज आ रही है बेटा? हाँ दीदी, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल वेल्थ ऑफ फ्रांस। इतने सालों से जब तक जो वॉर चली थी उसमें क्या हुआ था, फ्रांस का जो फाइनेंशियल वेल्थ था वो पूरा खत्म हो चुका था। फ्रांस के ऊपर कर्जा था कितना, 2 बिलियन लिवरेज का। व्हाट इज लिवरे? लिवरे इज द करेंसी ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो ये जो लिवरे, इतने सारे लिवरे का लोन था, इसको ये चुकता नहीं कर पा रहे थे। इस इतने पूरे लोन पर क्या हो रहा था, टैक्स लग रहा था। कितना टैक्स लग रहा था, 10% से। और उसके अलावा फ्रांस को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, किस चीज के लिए, अपना हाई कोर्ट मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड फ्रांस गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस। तो फ्रांस में क्यों टैक्सेस बढ़ाए गए थे, तो फ्रांस में टैक्सेस बढ़ाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि फ्रांस के पास सारे पैसे क्या हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। और क्योंकि फ्रांस के पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे, तो ना वो वॉर लोन पूरा दे पा रहे थे, जो वॉर पे उन्होंने क्या कर लिया था, बहुत ज्यादा लोन लेकर रखा हुआ था। ठीक है ना, तो क्योंकि उनका वो अपना लोन पूरा उन्होंने फुलफिल अपनी पूरी वेल्थ वो उस वॉर में क्या कर दी थी, खत्म कर दी थी। उन्होंने अपनी पूरी वेल्थ क्या करी थी, उस वॉर में खत्म कर दी थी। नाउ बिकॉज दे हैड नथिंग लेफ्ट, तो ये जो कोर्ट वगैरह मेंटेन करने का खर्चा था, ये इन लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, कॉमन पीपल से ले लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ठीक है, सो देयरफॉर फ्रांस प्लान्स टू वो इंक्रीज टिट्स करके, टैक्सेस। क्या बेटा? हम उसको टिट्स बोलते हैं ना, टिट्स और बेटा टील। बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर आते हैं। जैसे कि पहला टर्म जो हमें पता होना चाहिए वो होना चाहिए ओल्ड रेजाइन। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ओल्ड रेजाइन? फ्रांस में दीदी आपकी जैसे आवाज कट रही है। नो, बेटा, आवाज क्यों कट रही है, मेरा तो नेटवर्क, सबको ही आवाज कट रही आई एम क्लियर। है। आयशा बेटा तेरे नेटवर्क में इशू है राजा। ठीक है, तो फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी बिफोर बिफोर 1789, तो बिफोर 1789 फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड रेजाइम कहते हैं। और लिवरे, LIVRE, इज द करेंसी ऑफ फ्रांस, जो 1794 में डिसकंटिन्यू हो गई। 1794 के पहले फ्रांस में जो करेंसी चलती थी वो कौन सी थी, लिवरे, LIVRE। ओके,
अब जब हम लोग बात कर रहे हैं टैक्सेस बढ़ाने की या टैक्सेस कम करने की, तो हमें पता होना चाहिए था कि ये जो टैक्सेस बढ़ाते या ये जो टैक्सेस कम करते, ये टैक्सेस किन लोगों के लिए बढ़ते और ये टैक्सेस किन लोगों के लिए कम होते। तो सिंपल सा लॉजिक था, फ्रांस की सोसाइटी तीन एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ वाज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड? क्या क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में? हाउ वाज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड? तो हाउ वाज फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड? तो हम लोगों ने बोला फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू थ्री एस्टेट्स। फर्स्ट एस्टेट जो उसमें नो क्लर्जी थे, ये चर्च के स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते थे, ये तिथे नाम का एक टैक्स कलेक्ट करते थे, और इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलती थी बेस्ड ऑन बर्थ। दे रिसीव्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। इनको राजा भी बहुत सारा लैंड क्या करता था, गिफ्ट कर देता था, और ये टैक्सेस लेते थे बट ये टैक्सेस पे नहीं करते थे। ये टैक्सेस कलेक्ट तो करते थे बट ये टैक्सेस पे नहीं करते थे। स्टेट में जो लोग थे वो कौन से थे? वो बेसिकली चर्च के लोग थे, और वो चर्च में स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते थे, इसलिए वो लोगों से पीजन से एक टैक्स कलेक्ट करते थे तिथे, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या था, ठीक है ना। और दूसरा था जो नोबिलिटी थी, नोबिलिटी के पास बहुत सारे लैंड्स थे, उनको भी बेस्ड ऑन बहुत बहुत सारे प्रिविलेजेस मिला करते थे, ठीक है ना। उनको फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलते थे, और वो कोर्ट में रॉयल फैमिली के लिए बहुत सारे काम करते थे। तो पीजेंट्स को, उन लोगों को फ्री सर्विसेज ऑफर करनी पड़ती थी। किन लोगों को फ्री सर्विसेज ऑफर करनी पड़ती थी? नोबल्स को, और नोबल्स भी कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। तो यानी कि सोसाइटी में जो दो मेजर एस्टेट्स थे वो तो किसी भी तरह के कोई भी टैक्सेस पे नहीं करते थे। यानी कि जो बर्डन ऑफ पेइंग टैक्सेस था, जो बर्डन ऑफ पेइंग टैक्सेस था वो किस पर था? जो बर्डन ऑफ पेइंग टैक्सेस था वो था थर्ड एस्टेट या फिर बिजनेसमैन पे, ठीक है। तो थर्ड एस्टेट में कौन कौन लोग आते थे बेटा? बिजनेसमैन आते थे, मर्चेंट्स आते थे, कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे, लॉयर्स आते थे, पीजेंट्स आते थे, आर्टिसंस आते थे, और स्मॉल पीजेंट्स और लैंडलेस लेबरर्स और सर्वेंट्स। मतलब कुल मिला के फ्रांस की 90% ऑफ द पॉपुलेशन वो कहाँ थी? थर्ड एस्टेट पे थी, और इन्हें टैक्सेस पे करना पड़ता था। दे हैड टू पे ऑल द टैक्सेस, और ये बात से ये लोग बहुत ज्यादा क्या थे? डिससैटिस्फाइड थे। दे फेल्ट व्हाई द हेल शुड वी ओनली पे टैक्सेस, जबकि हमको तो कोई फायदा भी नहीं मिल रहा, हमको कोई फैसिलिटीज भी हमारी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को लेकर क्या थे, थर्ड एस्टेट के रूल लोग जो थे वो राजा के रूल से बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड थे, ठीक है। अमंग्स दिस डिससैटिस्फैक्शन, अभी लोग डिससैटिस्फाइड तो चल ही रहे थे, और उसी टाइम आया 1715 से 1789 तक सबसिस्टेंस क्राइसिस। कौन आया? सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। ये एग्जाम में आने वाला है, और हर साल एक बार क्वेश्चन यहाँ पर सबसिस्टेंस क्राइसिस से एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या था बेटा? अगर सबसिस्टेंस क्राइसिस को हम लोग एक लाइन में डिफाइन करें, तो ये एक सिचुएशन होती है जब इतना सारा पैसा खत्म हो जाता है, लोगों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है, कि वो जो बेसिक सर्वाइवल की नेसेसिटीज है, रोटी कपड़ा मकान, जब वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते, जब आप रोटी कपड़ा मकान भी अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, यानी कि आपकी देश की गवर्नमेंट फेल्स टू गिव यू द बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ, तो उसको हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में 1715 से 1789 तक आया था, जब फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि फ्रांस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स भी बढ़ गई। डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ। मतलब खाने वाले तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन खाना कंपेरेटिवली क्या था? बहुत कम था। ऐसे में क्योंकि सप्लाई कम था और डिमांड बहुत ज्यादा थी, तो फूड ग्रेन्स क्या होने लग गए? बहुत ज्यादा महंगे होने लग गए, ठीक है ना। अब क्योंकि फूड ग्रेन्स महंगे होने लग गए, तो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए, और क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन जो वर्कर्स थे उनकी वेजेस नहीं बढ़ी, और क्योंकि वर्कर्स की वेजेस नहीं बढ़ी,
तो वो लोग खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते। मतलब दिन पे दिन खाना पीना तो महंगा होता जा रहा था, पर वर्किंग क्लास की सैलरीज नहीं बढ़ रही थी। ठीक है, तो सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाती थी जब कभी सूखा पड़ जाता था किसी साल। देखो 1715 से लेके 1789 की बात कर रहे हैं, तो ये करीबन 60 इयर्स का पीरियड है। यस और नो? ठीक है, तो इसमें किसी साल अगर सूखा पड़ गया या बारिश ज्यादा हो गई तो हार्वेस्ट और खराब हो जाता था, फसल और खराब हो जाती थी। फसल क्योंकि और ज्यादा खराब हो जाती थी तो फूड ग्रेन्स और कम प्रोड्यूस होते थे, फूड ग्रेन्स और कम प्रोड्यूस होते थे तो ब्रेड और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती थी। और इसी सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। क्या सबसिस्टेंस क्राइसिस सभी को समझ में आया? यस मैम। क्या तुम्हें लिखना है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है? दीदी मैं लिख लूं? मैम लिखा है फिर था। जिनका लिखा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं लिखा हुआ है आई एम गिविंग यू 1 मिनट, यू कैन राइट इट डाउन। दीदी हाँ बेटा दी, मुझे आपसे एक सजेशन लेना है कि बोल बोल बेटा। जो एग्जाम्पलर रहती है और एग्जाम आइडिया, उसमें कोई डिफरेंस रहता है कि नहीं रहता है? देख सुन, एग्जाम आइडिया जो होती है ना बेटा, वो सारे जोनर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करती है, इजी से लेके डिफिकल्ट। और जो एग्जेम्प्लर होती है वो सिर्फ हाई लेवल क्वेश्चंस के साथ डील करती है। ठीक है, तो जो एग्जेम्प्लर के हाई लेवल होते हैं वो बहुत बार एग्जाम आइडिया के हाई लेवल से भी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। पर मैं और अ जनरल नोट बच्चों को एग्जाम आइडिया इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत बार बच्चा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो प्रिपेयर करके जाता है बट इजी क्वेश्चन गलत कराता है एग्जाम। तो इफ यू कैन, हाँ नहीं इट हैपेंस, अभी मेरी एक स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब बहुत छोटा सा है क्या, कि जो एग्जेम्प्लर है वो आपको जरूर करनी चाहिए, बट एग्जेम्प्लर करने के पहले एक बार एग्जाम आइडिया पूरी सॉल्व कर लो आप, उसके बाद एग्जेम्प्लर उठाओ। ठीक है बेटा? और एक और चीज, एनसीओ और एनएसटीएससी, एनटीएससी में कौन सी ज्यादा बेटर है? एनटीएससी, एनटीएससी वो 10th में होती है ना वैसे, पर हाँ उसका सिलेबस 9th से भी आता है ना हाँ ऑलमोस्ट। तो 9th का भी आता है पूरा, और जो सीबीएसई का सिलेबस नहीं होता जिसमें एमपी बोर्ड का भी काफी सारा सिलेबस कवर होता है। जैसे तुम लोग को 9th में लॉगरिथम वगैरह नहीं सिखाया जाता था, हालांकि अब तो एमपी बोर्ड और सीबीएसई की बुक्स पूरी सेम हो चुकी है, बट जैसे 9th में एमपी बोर्ड वालों को लॉगरिथम वगैरह भी सिखाया जाता है। तो अब जब हम लोगों ने चैप्टर की समरी पढ़ी थी तो हम लोगों ने बोला था कि एजुकेटेड मिडिल क्लास ने क्या करा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, और रादर हमें बोलना चाहिए देवर द वंस हु हैड ब्रॉट अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो कौन थे ये एजुकेटेड मिडिल क्लास? ठीक है ना, क्या करते थे, किस तरीके से उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे कंट्रीब्यूट किया, ये सारी चीजें अब हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास एंड इट्स रोल इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, तो जो मिडिल क्लास थी ये वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनके पास पहले पैसा नहीं था, लेकिन अब इन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया था। कैसे कमाया था इन्होंने बहुत सारा पैसा? फर्स्ट बाय एक्सपांडिंग ओवरसीज ट्रेड। इन्होंने बहुत सारा ओवरसीज ट्रेड को क्या किया था, इंडिया के फ्रांस के बाहर इन्होंने ट्रेड करके बहुत सारा पैसा कमाया था। ठीक है ना, सेकंड इन्होंने टेक्सटाइल्स और वूलन और सिल्क टेक्सटाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था जो मार्केट में बहुत अच्छे सेल हो रहे थे, जिस वजह से उन्होंने उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। ठीक है, इसके अलावा मिडिल क्लास में जो दूसरे सेट ऑफ पीपल थे वो थे लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और टीचर्स। तो ये जो बेसिकली मिडिल क्लास थी ये क्या थी, एजुकेटेड थी। ठीक है ना, क्योंकि ये एजुकेटेड थी तो इन्हें लगता था कि नो सोशल ग्रुप शुड हैव प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन
बर्थ, किसी भी सोशल ग्रुप के पास प्रिविलेजेस बेस्ड ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको सोसाइटी में आप किसी को प्रिविलेजेस दे रहे हो, सोसाइटी में अगर आप किसी को लैंड दे रहे हो, सोसाइटी में आप अगर किसी को बोल रहे हो कि आप जिससे चाहो टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हो, तो आपके उस बंदे के पास जिसको आप ये सारे प्रिविलेजेस दे रहे हो उसके पास वो मेरिट होनी चाहिए, वो स्किल होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए, ठीक है ना। और सोसाइटी जो होनी चाहिए वो इक्वालिटी और फ्रीडम पे बेस्ड होनी चाहिए, नॉट ऑन द फैक्ट कि आप कौन सी फैमिली में आपका बर्थ हुआ है। तो बेसिकली मिडिल क्लास की जो इस तरीके की सोच थी, इस सोच की वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया। तो बेटा ये जो मैं तुम लोग को स्क्रीन दिखा रही हूँ, ये दो चीजें कवर कर रही है। पहली बात, कौन थे मिडिल क्लास? तो मिडिल क्लास वो ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने अभी रिसेंटली काफी सारा पैसा क्या किया था, कमाया था ओवरसीज ट्रेड एक्सपांड करके, सिल्क और वुलन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करके और एक्सपोर्ट करके और गुड्स अमीर लोगों को बेच कर, ठीक है ना। दूसरे सेट ऑफ पीपल थे जो, वो कौन थे बेटा? लॉयर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे और टीचर्स थे। तो ये जो पूरा ग्रुप था इसे हम लोगों ने क्या कहा था? मिडिल क्लास कहा था, ठीक है ना। और इन्हें लगता था कि सोसाइटी में किसी भी ग्रुप के पास प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सोशल पोजीशन जो थी वो मेरिट पे बेस्ड होनी चाहिए, सोसाइटी जो रहनी चाहिए वो इक्वालिटी पे बेस्ड होनी चाहिए और फ्रीडम पे बेस्ड होनी चाहिए, ये ऐसा चाह रहे थे। और इन्हीं में से कुछ लोग कौन थे? फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपनी फिलोसॉफी लोगों को बताई कि यार ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे कौन से तीन फिलोसोफर्स थे जिनकी फिलोसॉफी पर फ्रेंच रिवोल्यूशन बहुत अच्छे से क्या हुई थी, गाइड हुई थी? तो पहला था जॉन लोकिन, जिसने एक किताब लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसने बोला था, रिफ्यूट किया था, ये जो वर्ड लिखा है ये लिखा है रिफ्यूटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, कि ये जो हम राजा को अनलिमिटेड पावर दे रहे हैं, ये राजा को अनलिमिटेड पावर क्यों दे रहे हैं? राजा के पास, राजा ने ऐसा कौन सा तीर मार लिए हैं जो हमें इतना सारा उसको पावर दे दें? तो राजा को पावर दो, लेकिन उसके पावर को क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर राजा कोई गलत डिसीजन ले रहा है तो लोगों के पास राइट होना चाहिए उसको क्या करने का, अपोज करने का। सेकंड था जीन जैक्स रॉसे, इसने बोला कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन द सिटीजंस एंड द रिप्रेजेंटेटिव। मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा है, यानी कि अगर गवर्नमेंट का ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें उसको अपनी जनता को क्या रखना है, खुश रखना है, उनको सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। और अगर अपना अगर गवर्नमेंट अपनी जनता को ये सारी बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करके दे पा रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, गवर्नमेंट को इस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा बंदा था कौन बेटा? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ द लॉ, जिसे बोला था कि राजा के हाथ में पूरा पावर देने से अच्छा है कि हम लोग को पावर को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, एक लेजिस्लेचर, एक एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी। फाइनली जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी वो गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से भी बहुत क्या थी, इंस्पायर्ड थी, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट ने अपने सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स दिए थे जो फ्रेंच गवर्नमेंट ने नहीं दिए थे। और ये सारे जो आइडियाज थे, इन सारे फिलोसोफर्स के आइडियाज, इन सारी अमेरिकन गवर्नमेंट के आइडियाज, ये सब बहुत ज्यादा डिस्कस होने लग गए थे कहाँ पर? सैलून्स में, कॉफी हाउसेस में, बुक्स में, न्यूज़पेपर में। और इन सब की डिस्कशन की वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस आया था कि हाँ, हमारा जो राजा है वो हमें अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है और हमें क्या करना चाहिए, इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहिए। दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट यूनिट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होता है। इसे कॉपी करना है तो कर लो।